हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत समाकलन चैप्टर में खंडशः समाकलन के ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को इकट्ठा किया है और उसके बाद इन सारे प्रश्नों को एक ही विधि से मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा दूंगा और उसमें से आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? आप सोच रहे होंगे कि सर जी इतना इम्पोर्टेंट कैसे बता देते हैं। अभी देखिए, आप सभी लोगों ने समाकलन में साइन इनवर्स एक्स के समाकलन का सूत्र नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सूत्र होता ही नहीं। इसका समाकलन करना तो पता होना चाहिए, तो खंडसा समाकलन से होगा। अच्छा, खंडसा समाकलन में क्या होता है? दो फलन जब गुणनफल के रूप में लिखे होते हैं तो हम खंडसा समाकलन का यूज करते हैं। खंडसा समाकलन का अभी मैं सूत्र भी आपको बताऊंगा यहां पर, लेकिन जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इन पर थोड़ा गौर फरमाइए। एक होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, और तीसरा आपका होता है टैन इनवर्स एक्स। मतलब जो इनवर्स वाले आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनका हम समाकलन कैसे करेंगे। चौथा आपका होता है कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स, और एक मैं थोड़ा सा अलग टाइप का ले लेता हूं लॉग एक्स, जिसमें से सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर और पांचवा नंबर। इन प्रश्नों को लगाने में आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आज मैं इन पांचों सवालों को, पांच ही है ना, पांचों सवालों को एक ही तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। आगे सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स को भी आप निकाल सकते हो। आप तरीका जानिए, आप लोग सवालों को रटने लगते हैं भाई, सवालों को रटना नहीं बल्कि आप तरीके को जानिए और एक टाइप के प्रश्नों को इकट्ठा कीजिए और बार बार भ्रमित मत होइए कि ये सवाल ऐसे लगेगा वो सवाल ऐसे लगेगा। मैंने जो इन प्रश्नों का चुनाव किया है बहुत ही जबरदस्त किया है, और आप सोच सकते हैं कि इन सारे सवालों को जब हम एक ही विधि से बता देंगे तो अलग अलग आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं, अलग अलग आपको सोचने की जरूरत नहीं। अभी देखना, ऊपर से लेकर के जो आपके चार नंबर तक क्वेश्चन है सिर्फ एक सवाल को बताने पर आपको समझ में आ जाएंगे और सारे सवाल आप लगा लोगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, लेकिन पहले क्लास को अंत तक कीजिए क्योंकि क्लास हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते। आप सभी को पता है कि आप बोरियत महसूस ना करें, क्लास पसंद आया करें, क्लास को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए हम ऐसे ही क्लासे लाते रहें। जैसे यहाँ पर देखिए, चाहे आपको साइन इनवर्स एक्स का समाकलन करना हो या टेन इनवर्स एक्स का करना हो या कॉस इनवर्स एक्स का करना हो, मैं टेन इनवर्स एक्स का पहले बताता हूँ। चलिए पहले साइन इनवर्स का ही बता देते हैं। हमें जिस भी फलन का समाकलन करना होता है सबसे पहले जानते हो हम उसको आई के बराबर मानते हैं। आई इज इक्वल टू, हमें समाकलन करना है भाई साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब देखिए, डायरेक्ट तो इसका समाकलन कोई होता नहीं, ना मैंने सूत्र पढ़ा है। खंडसा समाकलन से हमें क्या करना है, इसका जो है खंडसा समाकलन द्वारा इस फलन का हमें समाकलन करना है। जब दो फलन हमारे गुणनफल के रूप में दिए होते हैं और उनका हमें खंडसा समाकलन करना होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट फलन को हम छोड़ते हैं, समाकलन करते हैं सेकंड फलन का, सूत्र जान लीजिए, फिर माइनस लगाते हैं, फिर बड़ा समाकलन का चिन्ह लगाते हैं और इस समाकलन के अंदर हम अवकलन करते हैं फर्स्ट फलन का, इनटू में फिर समाकलन करते हैं सेकंड फलन का, जो होता है हल करने पर मिलता है उसका अगेन जो है हम समाकलन करते हैं। ये पूरा हमारा खंडसा समाकलन का सूत्र होता है। और इसमें जो फर्स्ट सेकंड होता है वो मानते कैसे हैं, दो फलन अगर गुणनफल के रूप में दिए गए हैं तो एक हमारे पास सूत्र होता है आईलेट। आईलेट में आप देख सकते हो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, प्रथम उनको मानते हैं, और जो उसके बाद लॉगार्थमिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगार्थमिक लघुगणकीय फलन जो होते हैं, एक मतलब अल्जेब्रिक फलन एक्स एक्स प्लस वन इस तरीके से, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई की पावर एक्स वाले, ठीक है ना। मतलब जो इसमें पहले आएगा ठीक है उसको हम फर्स्ट मानेंगे और सेकंड मानेंगे। जैसे मान लीजिए ई की पावर एक्स साइन एक्स दे दिया गया और बोला गया इसका समाकलन कीजिए, तो आप आइलेट सूत्र के अकॉर्डिंग देखोगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स के रूप में ही, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता तो इसको फर्स्ट मानोगे, इसको आप सेकंड मानोगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको फर्स्ट मानना पड़ जाता है, इसको सेकंड मानना पड़ जाता है, लेकिन जो खंडसा समाकलन का रूल है वो आपका यही आइलेट रूल ही कहता है, इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए।
जब इस तरीके से ना लगे तब आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। हालांकि प्रयास तो यही होता है कि भैया यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रथम फलन का क्या होता है अवकलन, जिसका आसानी से अवकलन हो जाए उसको यहाँ पर रख दीजिए, जिसका आसानी से समाकलन हो जाए उसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे हमें साइन इनवर्स एक्स का समाकलन करना है तो साइन इनवर्स एक्स सिंगल आपका फलन है, इसको डबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको एक से गुणा करेंगे। आपको पता है कि जो एक संख्या है ये आपका अलजेब्रिक नंबर होता है, अलजेब्रिक फंक्शन में आएगा, तो इसको हम भैया सेकंड मानेंगे, और ये इनवर्स फंक्शन है तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन पहले नंबर पर आता है तो इसको फर्स्ट मानेंगे। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो खंडसा समाकलन का सूत्र होता है कि पहले फर्स्ट को छोड़िए, तो साइन इनवर्स एक्स हमारा छूट जाएगा और समाकलन हो जाएगा सेकंड फंक्शन यानी वन का हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे और अवकलन करेंगे फर्स्ट फलन का, फर्स्ट फलन हमारा साइन इनवर्स एक्स है, और उसके बाद इसी बड़े वाले समाकलन के चिन्ह के अंदर हम समाकलन करेंगे सेकंड वाले का, तो 1dx लिखेंगे जो आएगा इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन करेंगे। आप देख सकते हैं इसी सूत्र का मैंने यूज किया। अब ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू साइन इनवर्स x, और dx का समाकलन होता है x, सभी को पता है साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का समाकलन होता है x, फिर ये dx हो जाएगा, ठीक। तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा x का गुणा साइन इनवर्स x से होगा तो x साइन इनवर्स x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर सभी को पता है कि हमें मानना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, क्योंकि इसका अवकल गुणांक हमें अंश में मिल रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t मानोगे, अवकलन करोगे तो ये आप 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और dt का t का dt अपन dx हो जाएगा। x dx को रोकेंगे तो हमें मिल जाएगा dt अपन में 2, वो भी माइनस का, ठीक। यहाँ पर देखिए जो x dx लिखा है यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन 2 dt, तो माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आएगा तो प्लस का 1 अपॉन 2 हो जाएगा और x dx के स्थान पर हो जाएगा dt। नहीं समझ में ये बात, देखिए मैंने क्या किया, x dx के स्थान पर रखा है dt बाई माइनस 2, तो माइनस 1 बाई 2 बाहर आया तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और dt अंदर ही रह गया, और उसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट t। अंडर रूट टी का आप समाकलन करोगे तो आपको मिल जाएगा टू रूट टी, कितना मिल जाएगा टू रूट टी, आपको याद रखना चाहिए मैंने बताया था कि वन अपान रूट टी का समाकलन कितना होता है टू रूट टी होता है। कैसे याद रखना है, मैंने कहा था कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है भैया वो कितना होता है, वो होता है वन अपान टू रूट एक्स, ठीक। अगर टू को इधर भेज दें तो टू रूट एक्स बराबर वन अपान रूट एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो टू रूट एक्स हो जाएगा। इस तरीके से याद रखिए भाई, कुछ चीज़ें आप ट्रिक से भी याद रखिए, या तो फिर आप टी की पावर ले जाइए ऊपर, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, फिर टी की पावर एन वाला सूत्र लगाइए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपान टू रूट वन अपान रूट टी का समाकलन हो जाएगा टू रूट टी और प्लस का सी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टी का मान रख देंगे, आई इक्वल टू में मिल जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट टी, किसको हमने माना था वन माइनस एक्स स्क्वायर को, और प्लस सी लिख दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन कितनी आसान तरीके से आपको मिल गया, बताइए था आसान कि नहीं था। क्या आप इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का नहीं कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसी तरीके से टैन इनवर्स एक्स का नहीं कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स का नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसमें से टैन इनवर्स एक्स का समाकलन करना बताऊंगा बहुत ही कम समय में, तो उसको भी देख लेते हैं जिससे अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। इसको थोड़ा रफ करें, चलो इसको रफ कर देते हैं। अब बताते हैं कि टैन इनवर्स एक्स का कैसे लगेगा, फिर लॉग एक्स का बता देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तरीकों को भाई समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ तरीकों को समझिए। जैसे हमें यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या दिया था, टैन इनवर्स एक्स, तो कुछ और नहीं करना है आपको, बस यही करना है एक से गुणा करने पर, आपको एक को मानना है सेकंड फंक्शन और टैन इनवर्स एक्स को मानना है फर्स्ट फलन, और इसी सूत्र को अप्लाई कर देना है। तो देखिए पहले फर्स्ट फलन को हम छोड़ते हैं यानी टैन इनवर्स एक्स को छोड़ेंगे, फिर समाकलन करेंगे सेकंड फलन का, फिर इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत फर्स्ट फलन का यानी टैन इनवर्स एक्स का, फिर समाकलन करेंगे वन का, जो आएगा उसका अगेन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन करेंगे, क्योंकि फलन हमारा एक्स के पदों में तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही समाकलन होगा। आई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, और डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, टैन इनवर्स एक्स का समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सभी को पता है भाई। के बाद आगे बात करें तो dx का समाकलन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा dx।
आई स्क्वल टू आपको मिल जाएगा टैन इनवर्स एक्स का गुणा एक्स से हो जाएगा, तो एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नीचे वाले फलन का अवकल गुणांक हमें अंश में मिल रहा है, तो वही प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे, और दोनों पक्षों का जब हम अवकलन करेंगे वन का अवकलन हो जाएगा शून्य, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा और टी का डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी डी टी बाई टू, टू आ जाएगा बटे में, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आई स्क्वल टू मिल जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, देखिए एक्स डी एक्स के स्थान पर आप डी टी बाई टू करोगे वन अपान टू बाहर आ जाएगा, डी टी अंदर रह जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी माना है तो टी लिख दीजिए, आई स्क्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू वन अपान टी का टी के रिस्पेक्ट में समाकलन कितना होता है भाई लॉग टी होता है, तो लॉग टी कर देंगे, टी का मान कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी लिख देंगे, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका हमें समाकलन कैसे करना है खंडशः विधि द्वारा, ठीक है ना। तो खंडशः समाकलन करना आप सभी लोग सीख गए होंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अनिवार्य रूप से कर लेंगे। एक सवाल भैया और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉग एक्स वाला, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, चलिए पूरा नहीं रफ करते हैं, बिल्कुल इसी विधि को अपनाते हुए इस सवाल को भी हम लगाते हैं, है ना। देखिए ये सारे सवालों का तरीका जानिए, ये नहीं कि अलग अलग आप इनको पढ़ें और रटें। तो जैसे यहाँ पर tan इनवर्स x था, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे log x कर देंगे भाई, क्या कर देंगे भाई log x लिख देंगे, अब इनवर्स वाला नहीं लेकिन ये log है, तो log x हमने कर दिया और इसको हम क्या कर देते हैं इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आइलेट वाले सूत्र में आपको पता है कि आइलेट वाले सूत्र में आप देख पा रहे हो कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है यानी ये अलजेब्रिक फंक्शन के पहले लॉगरिदमिक फंक्शन आ रहा है, मतलब लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मान के इसका खंडशः समाकलन करेंगे। आइलेट सूत्र एक बार लिख लेना और तुरंत जो है ये समझ में जाना कि आपको कौन सा फर्स्ट मानना कौन सा सेकेंड। चलिए खंडशः समाकलन करेंगे तो आई स्क्वल टू प्रथम फलन हमारा छूटता है छोड़ देंगे, समाकलन करेंगे वन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर समाकलन के अंतर्गत अवकलन करते हैं प्रथम फलन का, प्रथम फलन आपका लॉग एक्स है और इनटू में समाकलन करते हैं द्वितीय फलन का यानी वन का, और जो आता है उसका अगेन हम समाकलन करते हैं। आई स्क्वल टू ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स और डी एक्स का समाकलन एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का यहाँ अवकलन करेंगे वन अपान एक्स हो जाएगा और डी एक्स का समाकलन करेंगे एक्स हो जाएगा, हल करने पर जो मिलेगा उसका अगेन हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। आई स्क्वल टू आपका आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, समाकलन करेंगे डी एक्स का तो हमें कितना मिलेगा एक्स मिलेगा, तो आई स्क्वल टू आपका आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस सी। दोनों में आप चाहो तो एक्स कॉमन ले सकते हो, ये लॉग एक्स माइनस वन बचेगा प्लस सी, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ये समझ गए कि हमें इस टाइप के फलनों का समाकलन कैसे करना है, एक से गुणा करना है और उसके पश्चात आइलेट वाला फार्मूला लगा करके फर्स्ट इंटू सेकेंड खंडशः समाकलन कर देना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इकट्ठा करके एक ही तरीके से सॉल्व करा दिया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं क्या वो आपने लगा लिए हैं ऐसा भी हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। बहुत ही मुझे खुशी होगी यदि आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो, तरीके को जान लेते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।